नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ है ओम। मिड इनिंग्स तक का स्कोर राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबले में, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी और राजस्थान रॉयल्स ने 165 रन बनाए, यानी 167 का टारगेट दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स को। और अगर इस पूरे इनिंग की बात करें ओम, तो जॉस बटलर, इन फॉर्म जॉस बटलर, जिन्होंने आईपीएल 2022 की पहली सेंचुरी भी मारी थी, उनका विकेट आज जल्दी चटकाया आवेश खान ने, जो कि लेट स्विंग होकर बॉल आई थी, बहुत तेज थी वो डिलीवरी। बिल्कुल, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी यहाँ पर आवेश खान ने। इनके साथ, आवेश खान के साथ जो मुझे सबसे अच्छा जो उनका मूव लगा, जो दुश्मन्ता चमीरा को इन्होंने अपने गेम में वापस लिया, तो दुश्मन्ता चमीरा काफी एक्सट्रैक्टर है, 4 ओवर में मात्र 22 रन, काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, जो कि राजस्थान जैसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ काफी इंप्रेसिव है करना। और साथ में देवदत्त पडिक्कल इतने अच्छे लग रहे थे बैटिंग करते हुए, आज उनको ओपनिंग करने का मौका मिला, क्योंकि जयसवाल को बाहर बिठाया गया था और उनकी जगह पर वेंडर डूसेन आए थे, टीम में रिप्लेस करा था उनको वेंडर डूसेन ने। देवदत्त पडिक्कल इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उनका भी विकेट कृष्णप्पा गौतम ने ले लिया, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हुई कृष्णप्पा गौतम के, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी उन्होंने। संजू सैमसन भी आते ही उन्होंने छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, उनका विकेट भी चटकाया, दो चौके लगाए उन्होंने, माफ करना, जेसन होल्डर ने उनका विकेट चटकाया, लोअर फुल टॉस जा रही थी, लोअर फुल टॉस पे उनका विकेट गिरा है, और मतलब इतने सेट जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा मुझे कम देखने को मिला कि जब बैट्समैन सेट हो जाए और फुल टॉस पर आउट हो जाए। बिल्कुल, संजू सैमसन से आप ये देखते हैं, लेकिन आप भले ही भले दूसरे बल्लेबाज साथ ना देखें, संजू सैमसन के साथ आप देखें खराब गेंद पर अपना विकेट गवाते हैं, पिछले मैच में भी इन्होंने खराब गेंद पर अपना विकेट गवाया। संजू सैमसन जितने सीनियर प्लेयर है, आप उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते, और आप ये हमेशा देखेंगे संजू सैमसन के साथ कि आईपीएल की शुरुआत के मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर लास्ट में आके इनका परफॉर्मेंस भी डिप होता है और साथ के साथ टीम का परफॉर्मेंस भी डिप होता है। शिमरन हेटमायर जब बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने टीम को संभाला, उन्होंने सबसे ज्यादा 59 रनों की पारी खेली, शुरू में वो भी थोड़े से उनकी फॉर्म भी गड़बड़ चल रही थी, पिछले आईपीएल में बात करें, पिछले आईपीएल के मुकाबलों में इस सीजन के शिमरन हेटमायर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आए हैं, अभी तक पावर हिटिंग उनकी उन्होंने अपनी दिखाई है, अपनी तरफ से कितनी वो कर सकते हैं, काबिलियत है, इस मैच में भी उन्होंने दिखाया। लेकिन बात करें अगर हम रसी वेंडर डूसेन की, जिनका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल डेब्यू था, वो भी खास कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, उनसे उम्मीद थी हार्ड हिटिंग करेंगे, इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी काफी अच्छी हिटिंग करी, जो अभी साउथ अफ्रीका इंडिया की जो सीरीज थी, ये उस तरह की इमेज लेके चलते हैं कि आएंगे आपको 20-25-30 बॉल खेलेंगे और आपको 50-60-70 रन बना के देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, पहला मुकाबला है, समय लेंगे भारतीय पिचेस पे खेलने में, मुझे उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और रविचंद्रन अश्विन आए, फिर मुझे ऐसा लगता है कि रियान पराग को रविचंद्रन अश्विन के ऊपर भेजना चाहिए था, पर कप्तान ने रविचंद्रन अश्विन को रियान पराग से पहले भेजा, और रविचंद्रन अश्विन ने दिखाया कि 2 छक्के लगातार मारे उन्होंने कृष्णप्पा गौतम पर, पर शुरुआत में काफी स्ट्रगल देखने को मिला, काफी स्लो इनिंग थी रविचंद्रन अश्विन की। और एक चीज हमने देखी कि रविचंद्रन अश्विन रिटायर्ड आउट होकर वापस जा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, और ऐसा ही कमेंटेटर्स कह रहे थे आगे बहुत मुकाबलों में आने में देखने को मिलेगा कि जब हिटर अंदर आ रहा है क्रीज पर और एक जो एक प्लेयर रिटायर्ड आउट होकर बाहर जा रहा है। बिल्कुल, आप उम्मीद नहीं करते इस लेवल पे एक ऐसी हरकत होना कि बेसिकली अगर आपके जो आपने अपने अपने फैसले को अपने बैक नहीं किया, आपने इस प्लेयर को भेजा, आपने उसको वापस बुला लिया बिना कुछ उसके मतलब उनकी चोट-वोट कुछ लगी थी उनको वापस बुला लिया, जस्ट बिकॉज़ कि नाउ यू वांट अ मेन बैट्समैन टू बी देयर इन द डेथ ओवर्स। अगर आपको ऐसे ही करना था, आपको पहले रियान पराग को भेजना था, मेरे हिसाब से ये काफी गलत और अनप्रोफेशनल डिसीजन था। बिल्कुल, लेकिन बात करें जेसन होल्डर की, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने 50 रन जरूर दिए, लेकिन साथ में 2 विकेटें भी चटकाई रवि बिश्नोई ने, विकेट एक भी नहीं चटकाई, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग और रन रोक के रखे एक साइड से, और आवेश खान ने भी वही किया, एक विकेट चटकाई कृष्णप्पा गौतम ने। अब है लखनऊ के सामने टारगेट 167 रनों का, और अब देखने वाली ये बात होगी वानखेड़े की पिच पर टारगेट चेस करना, और जब पोस्ट पड़ जाती है इजी नहीं होता, तो किस अप्रोच से बैटिंग करती है लखनऊ सुपर जायंट्स, वो देखने की बात होगी। और जैसे कि केएल राहुल जो ओपनर है, टीम के कप्तान भी, वो कंसिस्टेंट नहीं हुए हैं इतने के बीच में रन मार रहे हैं, कभी नहीं भी मार रहे, क्विंटन डिकॉक काफी रन मार रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं वो बल्लेबाजी से, पिछले मैच में भी उन्होंने करा था। देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स 167 के टारगेट को कैसे अप्रोच करती है। हम भी चलते हैं मैच की तरफ, आपको मैच का रिजल्ट जरूर बताएंगे। ऐसे इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।